नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से समाज कल्याण सप्ताह के सातवें दिन विशेष योग्यजन कल्याण दिवस पर आज मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय में दिव्यांग बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि दिव्यांगों ने अपने हौसलों के दम पर अनेक बार कीर्तिमान स्थापित किए हैं और यह साबित किया है कि प्रकृति ने यदि कोई कमी रखी है तो भी मेहनत व लगन से आसमान छुआ जा सकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज सरकार की ओर से दिव्यांग कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। दूसरे सक्षम लोग भी अपने स्तर पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन समाज को इस दिशा में और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। इस अवसर पर डॉक्टर अनु जोशी, डॉक्टर राहुल कसवा, भूमि दानदाता हनीफ खान नसवाण आदि उपस्थित रहे। आज समाज कल्याण सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है उसके तहत विशेष योग्यजन दिवस का आयोजन यहाँ मधुर संस्थान में किया गया और बच्चों के द्वारा जो यहाँ पर प्रशिक्षण रहते हैं बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ दी गई। यहाँ के आयोजकों को और समाज कल्याण अधिकारी उला जी को और मैडम को, अंजू नेहरा मैडम को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा इतना बेहतरीन संस्थान चलाया जा रहा है और लोगों की सेवा की जा रही है। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप धर्म के काम में सहयोग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो सकता है। तो यदि आप अपना सहयोग बाकी कार्यों में करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ सहयोग करने के लिए इसको एक बार आप देखें, आए, आपको अच्छा लगे तो जरूर सहयोग। गायों की सेवा के लिए लगातार पूरे प्रदेश के संगठन, राजनीतिक दल, निजी संस्थाने व सरकार द्वारा दवाइयां, औषधियां सहित अनेक उपचार की वस्तुएं गौशालाओं में व जगह जगह जाकर लंपी से ग्रसित गायों का उपचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सालासर बालाजी के अनन्य भक्त व पुजारी श्री राम भी अपनी टीम के साथ पंखुरी लेमिनेटर्स प्राइवेट संस्थान के सौजन्य से दी जा रही दवाइयों को वितरित कर रहे हैं। श्री राम पुजारी ने कहा कि जो कोई दवाइयां लेने में सक्षम नहीं है उन्हें टीम द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दौरान श्रवण कुमार जाटमाली, बाबूलाल जैन, प्रदीप राधेश्याम आदि मौजूद रहे। जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री मोहनदास जी महाराज की। आज श्री बालाजी महाराज की कृपा से भीमसर गौशाला में लंपी जो वायरस जो चल रहा है उसके लिए दवाइयाँ वितरित की गई है और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ श्री सालासर बालाजी के आसपास जो भी गौशाला है जो सक्षम नहीं है दवाइयाँ उपलब्ध करवाने में तो वो मुझे या मेरी टीम को किसी को भी बता सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जितना सहयोग होगा मैं आसपास की जो गौशाला है सालासर के उनके लिए पूरी मदद करूंगा, जितना पॉसिबल होगा मैं व्यवस्था करवाऊंगा। जय श्री बालाजी महाराज। गांधी सप्ताह अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर अहिंसा प्रकोष्ठ, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं जिला प्रशासन की ओर से पीस मैराथन का आयोजन किया गया। जिला स्टेडियम से रवाना हुई मैराथन शहीद स्मारक पर जाकर संपन्न हुई। भारतीय थल सेना के कैप्टन दीपेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर पीस मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी इस देश की वह विभूति है जिनका पूरी दुनिया में बराबर स्थान है। यदि पूरी दुनिया गांधी मार्ग पर चले तो आज अधिकतम समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि राजनीति प्रशासन के साथ साथ निजी जिंदगी में भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस अवसर पर जिला साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया, जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत, जिला युवा समन्वयक MR जाखड़ आदि मौजूद रहे। आज महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, नेहरू युवा केंद्र व खेल विभाग के द्वारा शांति मार्च का आयोजन किया गया। शांति मार्च के तहत जो खेल स्टेडियम से जुड़े खिलाड़ी हैं व दूसरे युवा हैं उनको महात्मा गांधी के शांति व सद्भावना के संदेश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ स्टेडियम से रवाना करते हुए शहीद स्मारक तक इस रैली का आगाज किया गया। और इस रैली में जो महात्मा गांधी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है उसके अंतर्गत आज छठे दिन के अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया था और काफ़ी युवाओं ने और खिलाड़ियों ने उत्सुकता के साथ इस 20 मार्च में शांति के संदेश के साथ भाग लिया। मंगल जाखड़, नेहरू युवा केंद्र, जिला युवा अधिकारी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेकर अब पुरस्कार राशि जीत सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संप्रीति संस्थान के सहयोग से हो रही चिरंजीवी ऑनलाइन
जागरूकता प्रतियोगिता में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2022 है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति योजना के फायदे, रजिस्ट्रेशन के तरीके व परिवार तथा साथी को योजना में मिले लाभ के बारे में 30 से 1 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर सकता है। प्रतियोगिता में सोशल मीडिया अकाउंट पर सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियो, सबसे ज़्यादा लाइक व रीट्वीट वीडियो पर 11,000 रुपये का इनाम मिलेगा। वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर #चिरंजीवीराजस्थान2022 अनिवार्य रूप से साथ लेते हुए अपलोड करना होगा। सरदार शहर के श्री दादू द्वारा बालाजी मंदिर प्रांगण में शरद पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत सुंदरकांड मंडली द्वारा आयोजित श्री हनुमान कथा में व्यास पीठ पर विराजमान प्रदीप पारुल आत्रे ने आज हनुमान जी के दिव्य जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब जब धरती पर पाप पड़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर भूमि को पाप के भार से मुक्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं को जन जन में प्रचारित करने और संपूर्ण धराधाम को राम भक्तिमय करने के लिए हुआ है। मंदिर महंत नरेंद्र स्वामी ने बताया कि कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं में खूब उत्साह देखने को मिला। कथा में कृष्णानंद महाराज का सानिध्य मिला, साथ ही कथा के पश्चात सुंदरकांड मंडली द्वारा भव्य संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महावीर तिवारी, श्रीपाल बारट, भवानी शंकर ढल्ला आदि उपस्थित रहे। गायत्री परिवार द्वारा विशाल 108 कुंडीय यज्ञ का शुभारंभ आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि राम सिंह राठौर के सानिध्य व शांति कुंज हरिद्वार से आई हुई साधिकाओं के आचार्यत्व में हुआ। यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सपत्नीक पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडित राम शर्मा आचार्य की शिक्षा से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। हवन में गणपति पूजा, षोडश मातृक पूजा, कलश पूजा, नवग्रह पूजन सहित वेदियों की पूजा की गई। व्यवस्थापक उमेश सिंह राठौर ने बताया कि यज्ञ के सफल संचालन के लिए टीम का गठन कर कार्य किया जा रहा है और शहर व आसपास के हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में लगातार आ रहे हैं। इस अवसर पर पंकज गुप्ता, देवकिशन सैनी, राजेंद्र सिंह शेखावत आदि ने हवन में आहुति दी। आज जो ये यज्ञ हुआ है अखिल विश्व परिवार के द्वारा बहनों के द्वारा चूरू के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहला यज्ञ है जिसकी सारी कमान हमारी बहनों के हाथ में थी। और इस यज्ञ में आज कम से कम 10,000 आदमी बैठे हैं और 1 करोड़ मंत्र की आहुति लगी है। महामृत्युंजय की आहुति लगी, निरोग रहने के लिए, गायें बीमार हैं, लोग बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना की, पर्यावरण शुद्धि की आहुतियाँ लगी हैं और राष्ट्रीय एकता का आहुति लगी है, राष्ट्र को मजबूत करने की आवश्यकता लगी है और सांप्रदायिक सद्भावता की आवश्यकता लगी है। और वो आवतियाँ लगा करके पुनरावृत्ति की गई और हर नर नारी जोड़े से बैठे सब लोग, सब साधना का संकल्प दिया, वृक्ष लगाने का संकल्प हर यजमान को दिया गया। हर यजमान कम से कम 5 पेड़ तो लगावे, जो आदमी मरता तो एक वृक्ष को पूरी को ले जाता है 10 संस्कार में। तो गायत्री पूजा के द्वारा पंडित श्री राम शर्मा गुरु ने आदेश दिया, बेटा कम से कम अपनी जिंदगी में 10 पेड़ तो लगाओ, मर के भाग्य बनोगे चाहे कितनी माला घुमा लो। पर्यावरण शुद्धि के लिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। शुद्ध गाय से जड़ी बूटी आवश्यक दी गई है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो। तो 3 दिन से बराबर आवश्यक दी जाएंगी और जल भोजन की व्यवस्था यह सब निःशुल्क है और सब आते हैं। दक्षिणा के रूप में बीड़ी मांगी जाती है, नशा मांगा जाता है, दहेज आखिर दिन जनरल दहेज नहीं लिया है तो दहेज नहीं रहते हैं, जो बनाए सोचते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। आज के यज्ञ मुख्य यजमान रवन सिंह राठौर से और वो साथ वाले पवन कुमार से वो आए हैं और जो सभी यजमान है अपन सन के द्वारा। आपका नाम? मेरे राम सिंह राठौर कहते हैं, शांति कुंज में रहता हूँ। हम तो चूरू का ही, मैं वही सुहानपुर हूँ और हम दोनों पंचकुल वहीं रहते हैं तो पूरे देश में प्रचार करता हूँ। जयपुर से चलकर सूरतगढ़ जाते समय अल्प प्रवास के लिए रतनगढ़ रुके शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गैदर का आज कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रतनगढ़ में NH11 स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं ने बोर्ड अध्यक्ष का माला, साफा व शॉल उठाकर स्वागत किया। इस दौरान गैदर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है, प्रदेश का हर व्यक्ति किसी न किसी योजना का लाभ अवश्य ले रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल, ओम प्रकाश सिमार, हनुमान मेघवाल आदि उपस्थित रहे।
आज जयपुर से चल करके सूरतगढ़ जाने का मेरा कार्यक्रम है और रास्ते में यहाँ कार्यकर्ताओं ने स्वागत का कार्यक्रम रखा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ लग रहे हैं, जो क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, जो फ्लैक्सिप योजनाएं दी है, वो ऐतिहासिक है और उनका हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, तो इसलिए राजस्थान के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और राजस्थान के कार्यकर्ता उत्साह से ही आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ आज मैं आया तो भव्य तरीके से लोगों ने स्वागत किया। सालासर धाम जा रहे श्रद्धालुओं का आज रतनगढ़ नामदेव सेवा समिति के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं का दुपट्टा पहनाकर सम्मान में स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष रमेश मोयल, संरक्षक भवनलाल तोलंबिया, पवन गोठवाल, नवरत्न किंजड़ा, प्रदीप रामदेव, सुबकरण किंजड़ा, बजरंग किंजड़ा, अवधेश तोलंबिया सहित कई लोग उपस्थित थे। 25 साल से लगातार एक ही साल ऐसा नहीं रहा कि जिस लालचंद जीधर जी ने खत्ती है परिवार है सारा अपना परिवार और अपने बच्चों और सबको साथ में लेके चल रहे हैं और साथ में हमारे चाचा जी और सभी समाज बंधु हुए वह सबको साथ मित्रों को लेके आ रहे हैं और अभी 25 साल से हम लगातार इसी से कामना कर रहे हैं कि आगे से आगे इस संघ को बढ़ाते रहेंगे और नामदेव समाज के हम सभी छोटे मोटे सभी बच्चे एवं माताएँ बहनें सभी को इसका सहयोग देते हैं। साथ में हमें चाय नाश्ता में बिस्कुट साथ में हमारा चाचा जी विनोद जी खत्ती हमारे भाई और हमारे प्रियजन सभी के सहयोग से हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी यही कामना है कि 25 साल से हमें 50 साल की आगे ये कामना बढ़ाते रहेंगे। अगत करके इस चीज़ से हमें बहुत धन्यवाद और हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आभारी है। नामदेव समिति सदाश से रवाना हुए हैं सालासर बाबा के लिए और सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा स्वागत किया गया है और इसके लिए हम उनके लिए महसूस कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। सदाश से नामदेव सेवा समिति से 25वीं फेरी लेके और सालासर पैदल यात्रा में जा रहे हैं और आज नामदेव समाज रतनगढ़ के तरफ से बहुत बहुत स्वागत किया गया, इसके लिए मैं नामदेव समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लमसम हम 60 से 70 के बीच में हैं और हर बार इससे प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेके आएँ। 4 दिनों में पूरी कर लेते हैं। चौथे दिन सालासर बाबा मंदिर में पूरी संघ की दौड़ लगा के और वहाँ के प्रसाद लेके फिर विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत कमान अधिकारी 2 राज बटालियन कर्नल पंकज कुमार के निर्देशानुसार मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन आज चूरू के लोहिया महाविद्यालय में किया गया। मनोरोग विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. भूपेंद्र यादव ने लोहिया कॉलेज के NCC कैडेट्स को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के लक्षणों को पहचानने, नशे से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं उपचार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज भारत में हृदय रोग के बाद सबसे ज्यादा मरीज मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन, घबराहट, अनिद्रा एवं नशे की लत आदि के सामने आ रहे हैं। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर महावीर सिंह, नर्सिंग अधिकारी प्रमोद बागड़वा, डॉक्टर हेमंत मंगल आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ के जोधराज बैद शिक्षा भूषण सम्मान से सम्मानित होंगे। CBO सुजानगढ़ कुलदीप व्यास ने बताया कि राजकीय स्कूलों में आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने पर बैद को 3 सत्रों के लिए एक साथ यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा 12 अक्टूबर को जयपुर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैद सम्मानित होंगे। जिले में आज गहन दस्त नियंत्रण अभियान का शुभारंभ राजकीय डेढ़राज भरतिया चिकित्सालय में जिंक कॉर्नर का उद्घाटन करके किया गया। इस दौरान चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दस्त तथा कुपोषण की रोकथाम के लिए दवा पिलाई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान में दस्त एवं कुपोषण से होने वाली बीमारियों के जागरूकता के साथ ही जिंक की गोलियां व ORS के पैकेट घर घर जाकर व चिकित्सा संस्थान पर दिए जाएंगे। दस्त से पीड़ित 5 वर्ष तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें ORS पैकेट एवं जिंक टेबलेट निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भवनलाल सरवा, बजरंग हर्षवाल, शाहिद अली आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ के शिव मैरिज गार्डन में जनता रामलीला कमेटी द्वारा गुरुवार की रात सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का मंचन किया गया। नाटक में दृश्यों के सजीव चित्रण पर दर्शक देर रात तक डटे रहे।
इस दौरान राजा हरिश्चंद्र व तारा के समादों ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। वहीं सेठानी व कालू डोम द्वारा हरिश्चंद्र व तारा पर किए गए अत्याचार के दृश्य एवं विश्वामित्र व नक्षत्रा के अभिनय ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। लायंस क्लब चूरू द्वारा सेवा सप्ताह परमार्थ के अंतर्गत आज पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेवा सप्ताह प्रभारी सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राजीव शर्मा के सौजन्य से स्थानीय एसके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसमें 32 बच्चों ने भाग लिया। निर्णायक की भूमिका शैलेंद्र माथुर एवं संजय मित्तल ने निभाई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कुमकुम्बी का, द्वितीय स्थान वंशिका भोजक एवं तृतीय स्थान नीलेश शर्मा को मिला, जिन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज एसके मेमोरियल स्कूल में 20 पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी कि वातावरण को हम कैसे शुद्ध रखें। इसके ऊपर बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए और 3 पुरस्कार प्राप्त किए। बच्चों को बहुत बहुत बधाई। मैं इसका प्रतिवर्ष एक थीम को लेकर के इस तरह की एक पोस्टर प्रतियोगिता करता है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने आज 6 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया व विनोद थारवा ने बताया कि सालासर बालाजी व आसपास में मेले के दौरान चूरमा, लड्डू, मावा, पेड़े, रसगुल्ला व छेना मिठाई के 6 नमूने लिए गए हैं। गांव कनवारी के एक खेत में कृषि कार्य करने जा रहे दंपत्ति को बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में विवाहिता घायल हो गई। घायल हालत में उसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गाँव कनवारी निवासी 35 वर्षीय हरफूल जाट अपनी पत्नी राजू देवी के साथ खेत जा रहा था। दंपति जैसे ही टोडारा मील के पास खेत के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही बाइक के चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए इन दोनों की टक्कर मार दी। जेब में रखे मोबाइल के अचानक फट जाने से चूरू के चांदेला बास वार्ड नंबर 7 निवासी 26 वर्षीय आसिफ आज जख्मी हो गया। आसिफ ने बताया कि रात्रि को 3 बजे मोबाइल चार्ज लगाकर छोड़ा था। सुबह 6 बजे मोबाइल को वापस चार्ज से निकाला था। बाद में काम पर जाने के लिए मोबाइल को जेब में डाला तो वह फट गया, जिससे उसके चोट लग गई। अभी वो चार्ज लगाया था तीन बजे, फिर 6 बजे निकाला, फिर आधे घंटा चलाया, फिर काम पर जा रहा था, फिर निकाल के लेके जा रहा था। फिर ये आग लग गई मेरे। किसमें? जेब के अंदर। मोबाइल कहाँ था? मोबाइल जेब के अंदर था। फट गया, आग लग गई थी? फट गया लगे शायद, आग लग गई मेरे। आपका नाम? मेरा आसिम नाम। रतनगढ़ तहसील के गांव सीसर में गुरुवार की रात चोरी की नियत से गांव का ही एक व्यक्ति घर में घुस गया तथा सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर केबल काट दी। वहीं घर में मौजूद 30 वर्षीय विवाहिता को भी जान से मारने का प्रयास किया। इस संबंध में रतनगढ़ तहसील के गांव सीसर निवासी विवाहिता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह अपने बच्चों तथा नानी सास के साथ घर पर रहती है। वह पति विदेश में है। बीती रात वह कमरे में सो रही थी। इसी दौरान आवाज होने पर वह आंगन में आई तो गांव का ही एक व्यक्ति दूसरे कमरे के बाहर खड़ा था। उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने जान से मारने की कोशिश की। जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह दीवार फांदकर भाग गया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।